हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ डॉट वीडियो लेकर, और इस डॉट वीडियो में आपके द्वारा दिए गए चार सवाल हैं, फोर क्वेश्चंस, और सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं। सबसे अच्छी बात है तीन जो क्वेश्चन है आपके एक ही टॉपिक से रिलेटेड है, हर एक क्वेश्चन एक अलग टॉपिक का है। सारे क्वेश्चन में थोड़ी सी चीजें आपको सीखनी है, और थोड़ी सी चीजें से क्वेश्चन आपके लिए टफ हो गया और दिक्कत थी आपको। देखिए पहला क्वेश्चन, आप देखिए स्क्रीन पे क्या कह रहा है। आप क्वेश्चन देखिए, करें कि टंकी है जिसको तीन पाइप भरने के लिए लगा हुआ है, तीनों का व्यास के बारे में बोल रहा है। एक का व्यास एक का है और दूसरे का व्यास 4/3 और तीसरे का व्यास 2 सेंटीमीटर। ये आपको सवाल में दे रखा है कि तीनों का व्यास है और बोल रहा है किसी निश्चित समय पे इससे जो पानी निकल रहा है, तो पानी निकलने की जो मात्रा है व्यास के वर्ग के अनुपाती है। मतलब आप लिख सकते हैं डायरेक्टली इसका जो मात्रा हुआ, ये मात्रा है पानी का, इसका आप बोल सकते हैं अगर इसका एक स्क्वायर हो गया, एक इसका 4/3 का स्क्वायर, इसका 3, तो इसका 2 का स्क्वायर 4। ये आपसे सवाल कर रहा है, ये व्यास दिया हुआ है, व्यास मतलब डायमीटर दिया हुआ है, पाइप का एक डायमीटर होगा जिससे वो पानी निकलता होगा। तो बोला किसी समय देखा गया कि जो पानी जिस मात्रा से निकल रहा है वो व्यास के वर्ग के अनुपात के समान है। मतलब अगर पहला पाइप 1 के स्पीड से पानी निकल रहा है तो दूसरा 16/9 और तीसरा 4। कह रहा है सवाल की अगर जो सबसे ज्यादा व्यास जिसका है, किसका है, इस पाइप का, अगर वो 61 मिनट में पूरे टंकी को भर सकता है, तो आप बताइए कि अगर तीनों एक साथ लगा पानी भरने के लिए तो कितना समय लगेगा। इतनी सी बात कर रहा है। अब आप मुझे बताइए कि क्षमता, अगर जो रेट जो है, जो दर है, जो स्पीड है पानी भरने का, ये तो आप जोड़ सकते हैं डायरेक्टली। अगर तीनों एक साथ काम करेगा तो कितना हो जाएगा, 1 + 16/9 और +4 कितना आ गया, 61/9 इस स्पीड से काम होगा। तो सवाल अब ये रहा कि 4 के स्पीड से काम हो रहा है, 61 मिनट लग रहा है, तो आप कहेंगे 1 के स्पीड से काम होगा तो 61 मिनट लेगा। मैं पूछूंगा फिर 61/9 के स्पीड से काम होगा, तो आप कहेंगे ठीक भाई ठीक है, हम 61/9 से भागा देते रहे, और अब जो भागा देंगे तो आपको पता चलेगा कितना आ गया, 36 मिनट। आपके दिमाग में सवाल होगा कि 4 के स्पीड से काम हो रहा है, 61 मिनट लग रहा है, तो 1 के स्पीड से 61/4 क्यों नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि आप ये स्पीड जब बढ़ाएंगे तो आपका समय कम लगेगा, उल्टा चलेगा, जब उल्टा चलेगा तो इसका गुणनफल और इसके समय का गुणनफल प्लस बराबर होगा इस रेट का और प्लस इसके समय का गुणनफल के, तो इतना गुणा इतना बटा इतना ही आपका इसका समय होगा। क्लियर। देखिए सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है, आप पढ़िए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। यहां भी बात वही हो रही है कि तीन पाइप एबीसी है, एक 10 घंटे में, एक 15 घंटे में, और दूसरा कितना, एक दस है, एक 12 है और एक 15 घंटा है। एक 10 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है, दूसरा 12 घंटे में, और तीसरा 15 घंटे में भर सकता है। बोल रहा है क्या हो रहा है कि पहले टंकी को ए को पहले खोल दिया गया है, उसके 1 घंटे बाद बी को खोला गया है। पहले ए को खोल दिया गया, उसके 1 घंटे बाद बी को खोला गया है, और शुरुआत से 2 घंटे बाद सी को खोला गया। तो बताइए कितने समय में, कुल कितने समय में, शुरुआत से लेकर आखिर कितने समय में पूरी टंकी भरेगी। आप बताइए कि टंकी को भरने के लिए तीनों पाइप का योगदान है, तो हम कहते हैं कि ऐसा है कि टंकी की कैपेसिटी हम बोल देते हैं इसका एलसीएम के बराबर है। 60 यूनिट की टंकी थी, या कि टंकी में 60 यूनिट पानी रखा जा सकता था, कैपेसिटी होगी टंकी की। तो आप बताइए अगर 10 घंटे में भर सकता है टंकी को, तो इसका मतलब 6 के स्पीड से भरेगा, और ये 5 के स्पीड से आ रही है, 4 के स्पीड से। इतनी बातें समझ में आ गई, यहां तक क्लियर है। जो 10 घंटे में टंकी भर सकता है, अगर 60 यूनिट भरना हुआ तो 6 के स्पीड से भरेगा, 1 घंटे में 6 यूनिट, उसी तरह ये 5 के स्पीड से और ये 4 के स्पीड से। सवाल कह रहा है कि जो ये है 20 घंटे पहले खुला है, और ये जो है तीसरा जो इससे 2 घंटे पहले, इसका मतलब अगर यहां से बात करें, इसके समय से तुलना करें, तो ये 2 घंटे चल चुका होगा, इसका मतलब ये 6 के हिसाब से इतना पानी भर चुका होगा। अगर इसकी बात करें तो 1 घंटा चल चुका होगा, मतलब ये 5 के हिसाब से 1 घंटा पानी भर चुका होगा, मतलब टोटल पानी कितना भरा गया, 17 यूनिट पानी उसमें जा चुका है टंकी में। कब, जब ये खुला था, जिस समय इसको खोला गया, तो उस टाइम के पहले तक 17 यूनिट ऑलरेडी जा चुका है। मतलब 60 में से 17 घटा दीजिए तो आपको बचेगा कितना, 3 और 4, इतना ही बचेगा। तो इतना ही यूनिट पानी है जिसको भरने के लिए अब तीनों एक साथ ही जोड़ लगाएगा, और जब एक साथ जोड़ लगाएगा तो तीनों का स्पीड जोड़ लीजिए कितना हो गया, 6, 5, 4, 15, मतलब 15 के स्पीड से अगर 43 लीटर भरना हो तो कितना समय लगेगा, तो कहेंगे 15 × 30
और कितना हो गया 12, 13 हो गया, 13 हो गया। अब देखिए कितना घंटा लगेगा, आप इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना कर लीजिए, 1552, 2 घंटा 52 मिनट। और ये जब चालू हुआ तो वहां से 2 घंटा 52 मिनट, मतलब स्टार्टिंग से कितना हो गया 2 घंटा और, मतलब टोटल समय कितना लग गया 52 मिनट का और 4 घंटे का। आई बात समझ में? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सेम टाइप का है, इसमें थोड़ा सा चेंजेज है। कह रहा है कि ए बी जो है किसी काम को 10 और 15 दिन में कर सकता है, ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में कर सकता है, मतलब ए भी 10 दिन में कर सकता है और बी इसी काम को 15 दिन में कर सकता है। बोल रहा है कि दोनों 5 दिन तक काम किया है, दोनों 5 दिन तक काम किया है, ये भी और ये भी। इसके बाद बचा हुआ काम को सी 2 दिन में कंप्लीट कर लिया, सी कितना दिन में 2 दिन में, लेकिन वो बचा हुआ काम को किस काम को किया, बचा हुआ काम शेष काम को सी, रिमेनिंग काम को सी 2 दिन में कर लिया है। अब आपसे बोल रहा है कि इस पूरे काम के लिए इसको सिर्फ 4500 रुपया दिया गया था, इस पूरे टीम को इस पूरे काम का पैसा निर्धारित किया था, क्या था 4500 रुपया। तो आपको बताना है कि ए को कितना मिला, बी को कितना मिला और सी को कितना मिला। सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि पैसा जो भी मिलता है वो काम के अनुसार मिलता है, ना कि दिन के अनुसार। मतलब आप अगर धीरे धीरे काम कर रहे हैं, पूरे साल में काम कर रहे हैं, और कोई अभी जल्दी जल्दी काम कर रहा है, आपके साथ ही काम करना शुरू किया है और वो 10 दिन में काम खत्म हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा क्योंकि आपने बहुत दिन लगाया और उसे कम पैसा मिलेगा। अगर उसने 10 दिन में वही काम कंप्लीट किया जिस काम को आप साल भर में किए हैं, तो उसको भी उतना ही पैसा मिलेगा जितना पैसा आपको मिला, क्योंकि उसने वही काम किया है और आपने भी वही काम किया है। तो आप मुझे बताइए, अगर एक 5 दिन काम किया होगा, 10 दिन में अकेले क्षमता रखता है पूरी काम करने का, तो 5 दिन में कितना काम किया होगा, 5/10 मतलब 1/2। तो आप डायरेक्टली पूरे पैसे का 1/2 इसको दे दीजिए, इसका हिसाब खत्म हो जाएगा। ये भी तो 5 ही दिन काम किया है, अलग अलग करेक्टर है साथ में दो, इसने भी तो 5 दिन किया है काम अपने स्पीड से। तो अगर ये 5 दिन काम किया तो ये 1/3 काम किया, मतलब पूरे पैसे का 1/3 का हिस्सेदारी इसका हटता है, 1/3 पैसा लेकर जाएगा पूरे का। और ये कितना काम किया है, तो देखिए 1/2 काम इसने किया, 1/3 काम, मतलब 5/6 काम हो गया, 1/6 काम जो बचा हुआ वही किया होगा। हमें इससे मतलब नहीं कितना दिन में किया है, हमें बात यह रहा कि 1/2 काम किया भैया, 1/3 काम किया, 1/6 काम किया, तो तीनों को इसी हिसाब से पैसा दे दीजिए। आप ऐसा भी कर सकते थे कि इसका 1/2 पैसा मतलब कितना, 2/2 2550 रुपये इसको मिलेगा, मिलेगा इसको कितना मिलेगा 1/3, इसी का 1/3 मतलब 1500। पैसा भी कर सकते थे, दोनों को जोड़ देते और जो 45 में बचता है इसको देकर बात खत्म कर देते, क्योंकि इसको बचा हुआ ही काम मिल रहा है, तो बचा हुआ ही पैसा मिलेगा, कुछ ज्यादा पैसा इसको मिलने वाला है नहीं। अब देख भी रहे मतलब क्या समझा, जो बचा हुआ काम करता है उसको बचा हुआ ही पैसा मिलता है। तो अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो काम ज्यादा करना होगा, काम में पहले ही लगना होगा, ऐसा नहीं कि लास्ट में आएंगे और पैसा लेकर जाएंगे, नहीं। चलिए क्वेश्चन और लेते, अच्छा सा क्वेश्चन है ये, देखिए ज्योमेट्री का क्वेश्चन। कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और डायग्राम एक दिया हुआ इस टाइप का, बड़ा अच्छा सा सवाल दिखेगा। इसमें मुझे देखना है कि ए कौन सा है, बी पे राइट एंगल है, मतलब ये ए है और ये बी है, ये सी है, और ये बोल रहा है कि डी एक लाइन है, बी डी एक लाइन है और डी कुछ इस तरह है कि ए डी 31 है और बी डी 11 है, ये सवाल दे रखा है। और एक बात और कह रहा था कि इसकी जो लंबाई है एडी बीडी की जो लंबाई है वो 17 है, इसको आपने इसको उसने सेट सेट कर दिया है, मतलब छायांकित कर दिया, और इसी का आपसे एरिया पूछ रहा है, इसका एरिया कितना हो सकता है। क्वेश्चन देखेंगे तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन अटपटा कर लगा होगा, लेकिन एक बात मुझे बताइए कि ये एंगल 90 डिग्री वो दिया हुआ है, इसका कोई तो इस्तेमाल होगा, कोई तो यूज होगा। कभी भी इस तरह के सवाल जब आपको दिक्कत करे तो डायग्राम को सीधा बना सकते हैं, समझ सकते हैं बात को, आपको पकड़ में आ जाएगी बहुत सारी चीजें। हिंट दे रहा हूं मैं, कभी भी दूसरी चीजें इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि 90 डिग्री दर्शाया गया है, जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें, लेकिन वो दिख नहीं रहा है 90 डिग्री के बराबर, तो इसको 90 डिग्री के बराबर भी कर लेंगे तो एक्यूरेसी, ज्योमेट्री यही है, ज्योमेट्री में जहां भी डायग्राम आता है कोशिश कीजिए एक्यूरेट डायग्राम बनाने का, वो आपको बहुत कुछ दिखाएगा। तो चलिए यहां पर हम बात करते हैं, आप देखिए यहां पर अगर ये आपका ये है बी पे अगर राइट एंगल है, तो आप बताइए मुझे कि ये हाइपोटेन्यूज हो गया एसी,
तो अगर BC से एक मेडियन मतलब माध्यिका ड्रा करेंगे तो बीचों बीच में आकर मिलेगा 31 और 11 42, तो ये कितना होना चाहिए 21 और ये कितना होना चाहिए 21 10 ये है, तो ये कितना हो जाएगा 10। यहां तक क्लियर, ये 17 ये 10। अब BD की लंबाई निकाल सकते हैं, अगर E मैं दे दूं तो आप BE की लंबाई, तो आपको याद होगा BE जो है ये होता है 1/2 ऑफ AC। राइट एंगल ट्रायंगल में जिस कोण पे जिस शीर्ष पे 90 डिग्री बना रहा था वहां से कर्ण पे जब मेडियन ड्रा करते हैं तो उस मेडियन की लंबाई कर्ण के आधे के बराबर होता है, क्योंकि एक सर्कम सेंटर होता है जो इससे होकर जाता है, आपको याद होगा। ठीक है, तो आपका ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो आपका क्या हो गया यहां से, और ये 90 डिग्री हो गया तो ये सी डायमीटर भी कहलाएगा, तो आपका BE का लंबाई कितना हो गया AC बटा 2, मतलब BE कितना हो गया 21, टोटल कितना है 42, तो ये हो गया 21, मतलब ये भी आपका हो गया 21। अब आप देखिए इस ट्रायंगल में BED में ये 21 ये 17 ये 10, तो S का वैल्यू कितना होता है 21 प्लस 17 प्लस 10 बटा 2, कितना आ गया 21 और 17 18 9 5 14 10 24 आ गया। अब बताइए मुझे कि एरिया अगर उसकी मैं निकालने बोलूं तो हीरोज फार्मूला लगा देंगे आप, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और पूरे का स्क्वायर रूट, तो आप लगाइए फिर 24 आ गया, 24 गुना 21 3 आ गया, 24 गुना 17 7 आ गया, 24 गुना 10 14 आ गया। अब देखिए 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है, 2 छोड़ दिया मैं, 7 बाहर लेके चला आया, 24 और 3 गुना 6 24 से 44 से 12 आ गया बाहर। यहां तक क्लियर सही है, 24 का कितना जगह 4 गुना 6 और 3 गुना 6 6 और 6 और 12, ठीक है, तो ये आपका हो गया 84। क्या हो गया 84, मतलब आपका इसका एरिया निकल कर आ गया 84। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे देखिए कि कोई भी ट्रायंगल का कोई भी ट्रायंगल हो, अगर वर्टेक्स एक ही वर्टेक्स हो इसका कॉमन हो, तो सारे ट्रायंगल का जो रेशियो होगा एरिया का या फिर बेस का वो दोनों रेशियो बराबर होगा। मतलब क्यों हो बराबर होगा, क्योंकि हाइट सबके लिए एक ही होगा। तो आप बताइए कि इसकी भुजा जो है ये यहाँ से यहाँ 31 था, तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया 21, इसका मतलब एरिया जो होगा 21 होगा इधर वाले का, जबकि बीच वाले का 10 और उधर वाले का 11, 10 की एरिया आपने जो निकाला वो 84 है, मतलब एक की वैल्यू कितनी हो गई 8.4। आपसे पूछ रहा था इसका एरिया 11 वाले का एरिया, 11 का एरिया कितना हो जाएगा 11 से गुणा कर लीजिए 4 8 4 92 92.4। अब देख लीजिए यूनिट दिया हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपका साइड सेंटीमीटर में दिया था, आपको बात समझ में आ गया, कुछ नहीं करना था, बीच वाले का एरिया निकालना था और रेशियो पे बैठा देना था, 10 की वैल्यू 8.4 तो 11 की वैल्यू 8.4 इनटू 11। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था राउंड वीडियो का, अब क्वेश्चन को भेजिए, ज्योमेट्री का वीडियो आपको मिल चुका है, आप ज्योमेट्री का वीडियो देखिए, बताइए कमेंट करके हमें, और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप क्वेश्चन भेजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वॉच कीजिए, थैंक यू।